हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हम हर एक प्लेन की इक्वेशन हमने निकाली थी और हमने उसको जेड की वैल्यूज में निकाला था। हमने जेड की वैल्यूज में क्यों निकाला था, उसका जो सिग्निफिकेंस है वो अभी हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे जेड की कोई टर्म नहीं थी, तो हमने पिछली बार ही बोला था मैंने कि हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। उसका भी रीज़न है, क्योंकि इससे वो भी मैं बताऊंगा। अभी हमें क्या करना है कि हमें इस ये जो टेट्राहेड्रोन है इसका हमें प्रोजेक्शन लेना है एक्स वाई प्लेन पे। एक्स वाई प्लेन पे हमें इसका प्रोजेक्शन लेना है, दैट इज जेड इक्वल टू जीरो प्लेन पे हमें इसका प्रोजेक्शन लेना है। वो प्रोजेक्शन क्यों लेना है, क्योंकि वो हमारा व्यू प्लेन है, वहीं से वहां पे हम देखेंगे इसे। तो एक तरह से आप उसे प्रोजेक्ट कर दे, हम इन सर्फेसिस को प्रोजेक्ट करेंगे, देखेंगे कौन सी सर्फेस हमें फ्रंट में देखेगी दूसरी से। जो जो फ्रंट में देखेगी तो हम उसे रख लेंगे, जो बाद में दिखेगी उसे हम छोड़ देंगे। ओके, तो अभी हम देखते हैं। जैसे पहले हम ए बी सी प्लेन की बात करते हैं। ए बी सी प्लेन हमने देखा था कि वाइकल टू वाइन है, तो इसको हमें कंसिडरेशन नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा प्लेन हमारे पास ए बी डी है, तो प्लेन ए बी डी का हम लिखेंगे प्रोजेक्शन। जब हम एक्स वाई प्लेन मतलब जेड इक्वल टू जीरो प्लेन पे हम लेते हैं प्रोजेक्शन, तो इसका मतलब हमें सारे सारे जेड कोऑर्डिनेट जीरो कर देने हैं। तो अगर ये ए है, ये बी है, डी है, तो ए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 1 0। मैं जीरो को लिखूंगा ही नहीं, इसलिए मैं लिखूंगा 1 1, इट्स ऑन 2D। बी को हो जाएगा सिर्फ ये दोनों 3 1, जेड को मैं एक तरह से जीरो ले रहा हूँ। डी क्या हो जाएगा 2 2। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे एक इनसाइड टेस्ट लेना है, मुझे ड्राइव करना है इनसाइड टेस्ट कि कोई एक जनरल पॉइंट हमारे पास इसके अंदर है कि आउटसाइड है। वो हम कैसे निकालते हैं, उसकी बहुत एक अच्छी ट्रिक है। सबसे पहले तो आपको हर एक लाइन कंसिडर करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं कंसिडर कर रहा हूँ ए बी लाइन। ए बी लाइन की इक्वेशन क्या है, आप निकाल सकते हैं इक्वेशन उस वाले फॉर्मूला से जो कि होता है हमारे पास वाई माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन वाई टू माइनस एक्स वन। लेकिन इसे थोड़ा टाइम लगेगा, सिंपल जैसे हमने प्लेन में देखा था, इसमें भी हम देख सकते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट दोनों का वन है, तो ये लाइन की इक्वेशन वाई इक्वल टू वन ही होगी। आप निकाल के देख सकते हैं। इनसाइड टेस्ट क्या होगा इसका, इनसाइड टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक ऐसा पॉइंट सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा इस लाइन की इक्वेशन में जो इसके इधर लाई करता हो। मेरा मतलब है, अगर मैं कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ लूं, मान लीजिए ये है वो पॉइंट, और मैं इसको इस लाइन की सिचुएशन में सेटिस्फाई करूं और मेरे पास रिजल्ट आ जाए, सपोज करते हैं नेगेटिव आ जाए, तो जितने भी पॉइंट्स हैं जो इधर लाई करेंगे वो सब नेगेटिव रिजल्ट शो करेंगे अगर मैं उस लाइन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करूंगा। तो आप बताइए कि कौन सा पॉइंट इधर है ए बी के, वो है डी। तो मैं डी को सेटिस्फाई करूंगा लाइन की इक्वेशन में। लाइन की इक्वेशन मेरे पास क्या होगी, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई माइनस वन। तो आप 2 2 सेटिस्फाई करेंगे, तो 2 1 इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो भी पॉइंट है वो लाइन के इधर होना चाहिए, टू बी इनसाइड ऑफ दिस ट्राइंगल। ऐसे ही मैं करूंगा बी डी के लिए, ओ सॉरी मैं करूंगा बी डी के लिए। बी डी में आप देखिए लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आप निकालेंगे तो लाइन की इक्वेशन आएगी आपके पास एक्स प्लस वाई बाय फोर। आपको इसे फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। इसमें हम जब हम सेटिस्फाई करेंगे तो मैं लाइन की इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई माइनस फोर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको लिखना आप लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप बी डी ले रहे हैं तो हम ए पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, तो 1 1 तो 4 1 1 तो 2 आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने इसको ऐसे इसलिए लिया है ताकि मेरे पास रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आए, क्योंकि अगर किसी में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, किसी में लेस देन आएगा, तो मेरे को कैलकुलेशन में मुश्किल होगी। तो मैं ऐसा बना रहा हूँ कि जब दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई करूँ तो हमारे पास पॉजिटिव ही आए, मतलब एक ही साइन आए, तो मेरे को थोड़ी सी इजी रहेगा ए सी के लिए, सॉरी ए डी के लिए। हमारे पास ए डी है, इसमें देखिए एक्स इक्वल टू वाई है, तो हम सीधा बता सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई लाइन है। एफ ऑफ एक्स वाई, अब मैं कैसे लिखूं, एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स, इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर मैं लिखता हूँ एक्स माइनस वाई तो 3 1 दैट इज पॉजिटिव, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा 3 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा। इस पॉइंट को सेटिस्फाई करके देख लीजिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्लेन है हमारे पास प्लेन ए सी डी, इसकी इक्वेशन हमारे पास ये है। तो ए सी डी, ए सी डी की इक्वेशन क्या होगी, 1 1 2 1 एंड 2 2। देखिए मैंने बस जेड कोऑर्डिनेट छोड़ दिया है, बाकी सब लिख दिया है। इनसाइड टेस्ट इसमें भी वैसे के वैसे करना है हमें।
इसमें हम फिर सारे लेंगे, जैसे ए सी लिया मैंने, तो देखिए इस पर वाई इक्वल टू वन है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऊपर भी आया था तो ये फंक्शन भी सेम हम लिख सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये फंक्शन की जो नेगेटिव और पॉजिटिवनेस है वो हम डिसाइड करते हैं जो अदर पॉइंट है उसको सेटिस्फाई करके। लेकिन इसमें और इसमें अच्छी बात क्या है कि अदर पॉइंट भी सेम है और लाइन की इक्वेशन भी सेम है तो सेम ही आएगा, लेकिन ये ऐसा केस हमेशा नहीं होगा कि अदर पॉइंट डिफरेंट हो सकता है। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर लाइन टू बी पॉइंट टू बी इन साइड फॉर पॉइंट टू बी दिस साइड ऑफ द ट्राइंगल, इफ दिस इज नेगेटिव देन द पॉइंट विल बी हेयर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट विल बी सी डी, सी डी में लाइन की इक्वेशन क्या होगी, देखो एक्स कोऑर्डिनेट टू है दोनों में तो एक्स इक्वल टू हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स वाई। अब मैं कैसे लिखूँ वो डिसाइड करेंगे ए पॉइंट से, तो मतलब एक्स माइनस टू लिखूंगा तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, एक्स माइनस टू लिखूंगा तो वन माइनस टू आएगा, तो मैं लिखूंगा टू माइनस एक ताकि मेरे पास रिजल्ट पॉजिटिव आए। नेक्स्ट मेरे पास एक और बचा, एसी हो गया सीडी हो गया, बचा एडी। एडी की इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू वाई। अब वही वाली बात है कि यहाँ पे सेम है लेकिन हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, थ्री कोमा वन यहाँ पे टू कोमा वन तो अदर है, तो मैं नहीं लिख सकता ऐसे, हम देखना पड़ेगा हम क्या लिखें। अगर मैं एक्स कोमा एक्स माइनस वाई लिखता हूँ तो टू माइनस माइनस ग्रेटर देन जीरो तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ लिखा है इसलिए नहीं क्योंकि मैंने पॉइंट सेटिस्फाई किया है, दिस इज डिफरेंस इन दिस थिंग्स। एक आखिरी प्लेन हमारे पास बचता है उसका भी हम लिखेंगे, जो हमारे पास बचा है तीसरा प्लेन वो है जेड इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई माइनस प्लस वाई माइनस एट, और ये जो हमारे पास प्लेन बचा हुआ है बी सी डी, तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं बी के क्या होंगे, बी के होंगे मेरे पास 3.1, टू सी के होंगे 2.1 और डी के होंगे मेरे पास 2.2। बस चेक कर लेता हूँ, डी के होंगे 2.2, ओके ठीक है। तो हमारे पास ये प्लेन आ गया, इनसाइड टेस्ट इसमें हम लगाएंगे, तो हमारे पास फिर से कंसिडर करेंगे, चलिए सबसे पहले बी सी करता हूँ मैं, बी सी देखिए वाई इक्वल टू 1.9 है, एफ ऑफ एक्स वाई अदर पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। फिर नेक्स्ट लाइन हम लेंगे ये वाली सी डी, इसमें एक्स की वैल्यू टू है, अदर पॉइंट सेटिस्फाई करना है पे पॉजिटिव आए, मैं ऐसी इक्वेशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा एक्स माइनस टू। नेक्स्ट हमारे पास ए सी, ए सी हमारे पास क्या होगा ये वाली लाइन, सॉरी ए सी नहीं बी सी हो गया, सी डी हो गया, फिर बी डी, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या कोई और फॉर्मूला से, तो ये आएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर। और जो फंक्शन बनेगा इसका मैं उसको ऐसे बनाऊंगा क्योंकि जब मैं इसके अंदर 2.1 सेटिसफाई करूंगा तो आंसर मेरे पास पॉजिटिव आएगा। सो अगर इस कंडीशंस में मैं कुछ कोई पॉइंट सेटिसफाई करता हूँ अगर वो पॉजिटिव आता है इन सब में से, अगर इसमें कोई पॉइंट सेटिसफाई करता हूँ और वो पॉजिटिव आता है तो इस साइड लाई करता है, अगर इस लाइन के इक्वेशन में कोई पॉइंट सेटिसफाई करता हूँ और वो पॉजिटिव आता है तो इस साइड लाई करता है, और इस लाइन में कुछ पॉइंट सेटिसफाई करता हूँ और वो पॉजिटिव आता है तो वो पॉइंट इस साइड लाई करता है, तो जो कॉमन एरिया है इन तीनों रीजन का वो ये है। तो इसका मतलब अगर कोई भी पॉइंट ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो ट्राइंगल के अंदर होता है, ठीक है। अब हमारे पास सिंपल एल्गोरिथम है हमारे पास बाकी है, अब वो जल्दी हो जाएगा, तो मैं आपको प्रीवियस जो रिजल्ट्स निकाले थे उनको भी शो करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास हम अब टेबल बनाएंगे, जेड बफर में एक टेबल बनती है, इसके अंदर एक बात समझने की है कि आप देखिए जो भी मेरे पास इक्वेशन ऑफ द टेट्राहेड्रॉन है इसमें है, हमारे पास स्क्रीन रेजोल्यूशन गिवन थी 6x6, तो मैंने बोला था हम एक्स की वैल्यूज को कंस्ट्रक्ट करेंगे 1 से 6 और वाई की वैल्यूज कंस्ट्रक्ट करेंगे 1 से 6, तभी तो मेरे पास सारे पॉइंट्स कवर होंगे। लेकिन इसके अंदर एक बात समझने की है कि आप देखिए कि एक्स की वैल्यू क्या क्या है, 1, 3, 2, 2, तो एक्स की वैल्यू 1, 2, 3 से कुछ अलावा है ही नहीं, तो मैं क्यों 4, 5, 6 कंसिडर करूं, वो सबका कलर तो बैकग्राउंड के कलर के इक्वल होगा, सिर्फ मैं 1 से लेकर 3 तक कंसिडर करूंगा एक्स को। वाई में देखिए 1, 1, 1, 2, तो वाई में सिर्फ 1 से 2 कंसिडरेशन में लेना है, तो हम ऐसे को क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं कि हम उन्हीं पॉइंट्स को ले सकते हैं जो हमारे पास प्लेन्स में आते हैं, बाकी सब बैकग्राउंड का कलर ले लेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा ही करेंगे इस टेबल में, हम क्या करेंगे हम टेबल बनाएंगे एक्स वाई पॉलीगॉन इनसाइड टेस्ट जेड की वैल्यू एंड हम उसको क्या कलर असाइन कर रहे हैं।
ये टेबल बहुत जरूरी है एग्जाम में, ये बनानी ही बनानी है। हमने जो कुछ भी निकाला था अब सब कुछ काम आएगा हमारे पास। तो हम मैंने बोला था एक्स की वैल्यूज को 1 से लेके 3 तक लेंगे, वाई की वैल्यूज को हम लेंगे 1 से लेके 2 तक, क्योंकि टेट्राहेड्रॉन में सारी रेंजेस कवर हो जाएंगी इन वैल्यूज के बीच में। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 लेता हूँ तो वाई की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है उसके लिए, 1 और 2। तो पहले मैं 1 का कंसिडरेशन में लेता हूँ, तो कौन कौन से पॉलीगन्स मेरे पास हैं, मैं सबको कंसिडरेशन में लूंगा, सबको लिखूंगा मैं ए बी डी। मैं ए बी सी को छोड़ रहा हूँ, ए बी सी को मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जेड की वैल्यू का कंसिडरेशन नहीं है, तो इसका रीजन अभी पता चलेगा हमने क्यों छोड़ा है। तो हम बाकी सबको ले लेंगे, ए बी डी, ए सी डी एंड बी सी डी, ठीक है। हम 1,1 का इनसाइड टेस्ट करेंगे ए बी डी में, देखेंगे कि इनसाइड टेस्ट हमारे पास ट्रू होता है कि नहीं होता है। तो हमारे पास ये ए बी डी है, इसका इनसाइड टेस्ट ये हमारे पास, तो हम इसको सेटिस्फाई करेंगे 1,1 के लिए, देखेंगे कि क्या जीरो है। हाँ, ये वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो ये टेस्ट ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, तो इट इज इनसाइड। सो यस इट इज इनसाइड। ओके, अब हम निकालेंगे जेड जेड की वैल्यू ए बी डी के लिए। हमारे पास जेड की वैल्यू थी माइनस ऑफ वाई, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 1। ए सी डी की बात करेंगे हम, ए सी डी ये रहा, ए सी डी में हमारे पास 1,1 के लिए टेस्ट देखेंगे, तो ये सेटिस्फाई करता है, ये भी करता है, ये भी सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब 1,1 इनसाइड है इस प्लेन के, सॉरी ट्राइंगल के, तो इसके अंदर लाई करता है। एंड जेड की वैल्यू इसके अंदर क्या होगी इस केस में, माइनस टू एक्स प्लस वाई, तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन। अब हम बात करेंगे बीसीडी की, बीसीडी में देखिए 1,1 इसको सेटिस्फाई करता है, इसको नहीं करता है, 1 माइनस 2 लेस देन 0 होगा, यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसके अंदर ही लाई नहीं करता, तो मैं इसी जेड की वैल्यू कंसिडरेशन में ही नहीं लूंगा, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में सभी प्लेन्स के कलर्स बताए थे, ठीक है। अब मैं वो वाला जेड कंसिडर करूंगा जो सबसे मिनिमम है, मतलब जो एक्स वाई प्लेन के, जो जेड इक्वल टू जीरो प्लेन के जो प्लेन सबसे पास होएगा, मान लीजिए टेट्राहेड्रॉन है, ये जेड इक्वल टू जीरो प्लेन है और मैं इसको देख रहा हूँ, तो इसके जो सबसे पास होएगा वो मेरे को सबसे पहले दिखेगा। तो जेड मिनिमम की वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी वो मेरे को दिखेगा। तो अब दोनों से मैं तुम्हें कोई सी भी ले सकता हूँ, तो मान लीजिए मैं ये ले रहा हूँ, इसकी वैल्यू ले रहा हूँ, तो अब ये इसमें जो कलर होएगा वो ए बी डी का कलर होएगा, ठीक है। हम इसमें ए बी डी का कलर फिल करेंगे, और जो हमारे पास ए बी डी का कलर था वो था येलो, तो हम यहाँ पे येलो कलर फिल करेंगे। ऐसे दूसरे पॉइंट के लिए करेंगे, होगा 1,2, सभी प्लेन लिखेंगे ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी। तो आप इसको चेक करेंगे जब, तो ये सब कुछ फेयर आएगा, ये किसी के अंदर भी लाइन नहीं करेगा, तो जेड की वैल्यू निकालने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इसमें हम कलर क्या देंगे, इसके अंदर हम कलर देंगे बैकग्राउंड कलर, जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो हमारे पास रहेगा, ठीक है। इट कैन बी ब्लैक, व्हाइट, एनीथिंग। फिर हम वाई की दोनों वैल्यूज कंसिडर कर लिए, अब हम एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, फिर वाई की दोनों वैल्यूज के लिए निकालेंगे 1 एंड 2 ए बी डी, सॉरी ए बी डी एंड ए सी डी एंड बी सी डी। सो टेस्ट पास फॉर दिस बट इस फेल्स फॉर दिस। अगर मैं वैल्यूज निकालूंगा तो आएंगी -1, -3 एंड इसमें कुछ आएगी, और इसमें जो कलर आएगा वो इसका आएगा, क्योंकि जेड की मिनिमम वैल्यू इसकी है, तो यहाँ पे कलर आएगा हमारे पास ए सी डी प्लेन का। ए सी डी प्लेन का क्या कलर था, वो कलर था हमारे पास ब्लू, तो हम ब्लू कलर असाइन कर देंगे इसको, ठीक है। आप कलर्स देख लीजिए, अगर गलत हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन इस प्लेन का कलर आएगा, पॉइंट ये है मेन। अब हम ऐसे करेंगे 2 के लिए, फिर हम सारे के सारे कंसिडर करेंगे ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी। इसमें जब आप निकालेंगे तो ऐसी कोई वैल्यूज आएंगी, ऐसे कुछ आएगा। आपको ये कब तक करना है, फिर करना है ये 3,1 के लिए, फिर 3,2 के लिए, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू को आपने रेंज कर लिया है 1 से लेके 3 तक, और हर एक एक्स की वैल्यू के लिए आपने वाई की वैल्यू 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 चला लिया। तो ये ओवरऑल न्यूमेरिकल है, जेड बफर का एग्जाम में मस्ट आना है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें एंड प्लीज लाइक द वीडियो। सो थैंक यू।